गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी पर्व मनाना होगा। कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया, जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, अगर स्कूलों में जन्माष्टमी मनाई जा सकती है तो ईद क्यों नहीं। श्री कृष्णा, मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है, जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्यप्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है, जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्यप्रदेश में ही इंदौर के पास जानापावक में वो स्थान है, जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुंचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अर्थात मित्रता गरीबी से हो सकती है, वीरता धारण करने की चीज़ है, शिक्षा सदैव ग्रहण करना चाहिए और विनम्रता सदैव कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए एक अच्छे एटमोसफेयर के लिए होती है, धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है। सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो। तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है।